हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस पेंटिंग फैब्रिक का कोर्स लाई हूँ, जिसके लिए मैं डे बाय डे वीडियोस डालूँगी। फर्स्ट डे की ये वीडियो है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक कलर लिए हैं। इसमें 6 कलर्स होते हैं, सैबरिन, रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। तो ये कलर इनफ रहते हैं किसी भी पेंटिंग को स्टार्ट करने के लिए, पेंसिल या ड्राॅइंग के लिए। कॉटन का क्लॉथ लिया है, वुडन फ्रेम लिया है, ब्रश लिया है राउंड 000 और फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, साथ में 3 नंबर, बस इनफ है। स्मॉल फ्लावर्स हैं तो स्मॉल वाटर लिया है और साथ में रफ़ क्लॉथ लिया, ब्रशेस वगैरह साफ़ करने के लिए। मैंने फ्रेम में वाइट कॉटन का क्लॉथ टाइट कर लिया हुआ है, ये सबको आता ही होगा शायद। उसके बाद आपको सरफेस को क्लीन रखना है और फैब्रिक ध्यान रखिएगा। अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो कॉटन का ही रखिएगा। और सीखने के लिए सबसे पहले वाइट फैब्रिक ही यूज़ कीजिएगा। अब पेंसिल से आप एक ड्राइंग बना लीजिए, इजी सी, बहुत ही इजी फ्लावर है। ये Day 1 क्लास है मेरी फैब्रिक पेंटिंग के लिए। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए ताकि आपको भी अच्छे से प्रॉपरली गाइडलाइन मिले फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए, आप कोई प्रोजेक्ट अपना कर सकें। यहाँ पर मैंने लीफ का डिज़ाइन ले लिया है, फ्लावर का डॉट डाल लिया है। अब मैंने 000 राउंड ब्रश लिया और ग्रीन कलर लिया है, सैप ग्रीन कलर। ये कलर्स रेडी ही मिलते हैं मार्केट में। इससे मैं सबसे पहले आउटलाइनिंग करूँगी लीव्स की। ये सबसे इजी लीव्स हैं फैब्रिक पेंटिंग में, बहुत ही ईजी हैं। जो नॉर्मल लीव्स हैं यही वाला होता है। ऐसे मैंने ड्राइंग बना ली है लीव्स की, 5-6 जितने भी आपको कम या ज़्यादा चाहिए अपने डिज़ाइन में, उतने आप ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर नीचे जैसे भी आपको डिज़ाइन बनाना है वैसे। ये डिज़ाइन आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने कोई भी प्रोजेक्ट पे, हैंकीज़ पर, इवन पिलो कवर्स पर, दुपट्टास पर, सूट पर, ड्रेसिस पर, एनीबडी, साड़ी पर भी कर सकते हैं आप, बड़ा छोटा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने वाइट कलर लिया है साथ में अब, और 3 नंबर फ्लैट ब्रश है ये। आप 2 नंबर भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जितना स्मॉल साइज़ रहेगा फैब्रिक पर पेंटिंग करने के लिए, फ्लावर या लीव्स का, उतना ही आप स्मॉल ब्रश यूज़ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले सेंटर ले लिया सैप ग्रीन कलर से। मैंने एक साइड को लाइट कम कलर उठाकर, थिन होना चाहिए कलर, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नहीं थिन होगा तो थोड़ा सा ब्रश में पानी लेकर आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं लाइट हाथों से। बिल्कुल प्रेशर नहीं देना ब्रश को, लाइटली करना है, फैलाना है कलर को। और साथ में मैंने एक साइड पे, अब मैं इसी ब्रश में बिना वॉश किए वाइट कलर उठाऊँगी। आप यहाँ पर वाइट कलर उठाया है हमने, ये एक साइड पे वाइट लगा ली, और साथ साथ में उसी सैप ग्रीन जो लगाया हुआ कलर है उसी को मिक्स करते जाना है। मर्जिंग अपने आप हमारी साथ साथ में होती जाएगी। लाइटली हमने हर जगह पर लीव्स के अंदर उस कलर को फैलाना है। एक साइड ग्रीन होनी चाहिए और एक साइड लाइट सी होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट के साथ हमने फिल करने हैं। सारे लीव्स मैं ऐसे ही फिल कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्लावर का काम करूँगी। फ्लावर की मैंने डॉट डाली थी कि कहाँ कहाँ बनाने हैं। रेड कलर लिया है नॉर्मल वाला इसी आउटलाइनर ब्रश में। यहाँ पर मैं छोटा सा फ्लावर एक डॉट डाल के, डॉटरिंग डालकर मैं यहाँ पर फ्लावर डिज़ाइन करूँगी। बहुत ही सबसे बेसिक फ्लावर ही यही है, बहुत ही ईजी है, बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं और अपना कोई भी प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बना दिया हुआ है और इसकी साइड पर अब मैं पेटल्स बनाऊँगी। 5-6 पेटल्स आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कहीं फ्लावर की 6 पेटल्स ड्रॉ कर दी, ये तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो इसे फ्री हैंड भी कर लेगा। ये ऐसे करके यहाँ पर मैंने 6 पेटल्स बनाई हैं। अब इसको फिल कैसे करना है,
यहाँ पर हमने इसको फिलिंग का डिज़ाइन जहाँ पर देना है तो हमने इसी ब्रश में ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल फ्लावर्स है, ज़्यादा बड़ा फूल बनाना है तो बड़ा ब्रश, छोटा फ्लावर बनाना है तो छोटा ब्रश। तो यहाँ पर मैंने इसी में एक साइड रेड करी है पेटल की, सभी पेटल्स की एक साइड रेड, ये देखिए छोड़ छोड़ के एक साइड, जिन बीच में खाली रहे वाइट करने के लिए, एक साइड मैंने रेड यूज़ कर ली है और दूसरी साइड मैंने वाइट लेना है। इसी ब्रश में बहुत कम लेना है और इनकी हल्की हल्की दूसरी साइड पर लगाते हुए मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही इजी है ये फ्लावर बनाना, ये टेक्निक बहुत ही आसान है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फ्लावर है तो हमने स्मॉल ब्रश ही, इसी ब्रश से काम चलाया है। ये देखिए ऐसे एक साइड पे वाइट से हमने इसको कर दिया है। अब सेकंड फ्लावर को हम लेंगे, इसके हम 5 पेटल्स बना देते हैं, कहीं 5 कहीं 6 पेटल्स बनाकर हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तब तक हमारे लीव्स वगैरह थोड़े ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही एक साइड पे रेड सेपरेट किया है ब्रश से, दूसरी साइड पर वाइट लेकर मिक्सिंग हल्की सी कर देंगे। एक साइड वाइट से इफ़ेक्ट आएगा पेटल्स की एक साइड पे, एक साइड से रेड का, बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट देगा ये फ्लावर आपको। बहुत ही प्यारा लगता है इस फ्लावर से बना हुआ डिज़ाइन और सबसे इजी भी है, पेंटिंग की टेक्निक में सबसे इजी फ्लावर ये है। इसके साथ बने हुए डिज़ाइन बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपना वर्क। ये मैंने 4 फ्लावर्स बनाए हैं। अब मैंने येलो ले लिया हुआ है और ब्लैक लिया है साथ में। स्मॉल 000 ब्रश में ही मैंने ब्लैक कलर लेकर के डॉटिंग डाली है फ्लावर के बीच और उसके बाद मैंने लीव्स भी ये किया। अब सबसे पहले मैं लीव्स कर लेती हूँ। लीव्स के यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में, बस हल्के हाथों से जहाँ पर बस लाइट हो जाए बस ऐसे छोड़ देना है, ऐसे चलाकर ब्रश को छोड़ देना है, बिल्कुल लंबी दूर तक ये बस ऐसे, बस जहाँ पे ये अपने आप ही फिर सेंटर में ऐसे लाइंस आपने देखा होगा लीव्स में ये बनी होती हैं, बस उसी अकॉर्डिंग हल्के हाथों से ब्रश चलाना है, कलर ज़्यादा नहीं लगाना। अब ये मैंने फ्लावर के बीच ब्लैक से डॉटिंग कर दी है जो खाली जगह है सेंटर में, ये देखिए हल्की हल्की डॉटिंग है। ब्लैक से ही मैंने ये लीव्स को भी कहीं पर हल्का लगा दिया, थोड़ा छोड़ छोड़ के ब्लैक कलर हल्के हाथों से, जैसे ये इस बॉर्डर पे लगा दिया, नीचे के बॉर्डर पे लगा दिया, लीव के पूरा नहीं लगाना है, कहीं कहीं बीच बीच में, कभी ऊपर हल्का सा कभी नीचे। अब मैंने येल्लो लिया है, येलो को मैंने फ्लावर के इस ब्लैक डॉट के ऊपर 2-3 डॉट्स मैंने बस येलो की रखी है और यहाँ पर लीव्स की साइड पे जैसे ब्लैक किया था जहाँ छोड़ा है वहाँ पे हल्का हल्का येलो कहीं कहीं पर लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है इसी से ही, कुछ ज़्यादा हमें करना भी नहीं पड़ा है यहाँ पर, बहुत ही ईजी बना है। अब मैंने ब्लैक लिया है, ब्लैक से मैं इनकी डंडियाँ बनाऊँगी जिससे फ्लावर आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। कहीं कहीं पर आप हल्के हाथों से बना दें और ये पूरा फ्लावर बनकर रेडी है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं डेली आपको डे बाय डे वीडियोस डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।